नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां बीजेपी विधायक के मामा की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने हाई प्रोफाइल बीजेपी विधायक के मामा नरेश त्यागी के हत्याकांड के सिलसिले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि विधायक अजीत पाल त्यागी का बड़ा भाई गिरीश त्यागी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने विधायक के बड़े भाई के दोस्त जितेंद्र त्यागी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पेश है हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। भाई आगे, भाई पुनीत पुनीत, अरे भैया अगला 20 साल का था यार। पुनीत भाई हाथ धो, यार पहले काम पुनीत उन्हीं घटी भाई मुझे थोड़ा पीछे 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 कर दिया गया था। आज जो मुख्य शूटर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरी थ्योरी रही थी, किस लाइन पर ये पूरा काम किया गया था, आज जो शूटर्स पकड़े गए हैं क्या कुछ इनका नॉर्मल किस तरह से रहा था। 9 अक्टूबर को सुबह लगभग 5:45 पर उजाला होने से पहले ही श्री नरेश त्यागी जी की हत्या कर दी गई थी स्कूटी सवार दो अभियुक्तों द्वारा। इस बारे में पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उससे कुछ फुटेजेस हमको मिली और उससे अभियुक्तों का हुलिया जो है पुलिस ने जान लिया कि ये किस हुलिये के हैं। उनके आने जाने का रास्ता भी पुलिस ने ट्रैक कर लिया था कि रोटरी गोल चक्कर की तरफ से आए हैं और संभवतः एलिवेटेड रोड से आए हैं कहीं दिल्ली की तरफ से। इस बारे में पुलिस ने जब विवेचना आगे बढ़ाई और जो संदिग्धों की पुलिस को तलाश थी, 18 तारीख को एक अभियुक्त जितेंद्र त्यागी की अरेस्टिंग की गई, जिसने अपने बयान में एक व्यक्ति विपिन शर्मा की संलिप्तता बताई। इस विपिन शर्मा को जब तस्दीक किया गया तो पता चला कि पहले मोदी नगर में रहता था और अब ये दिल्ली में अशोक नगर एक जगह है वहाँ रहने लगा है और इसकी बहन जो है वो नोएडा में काम करती है। ये अपने मतलब उनके साथ ही नोएडा उधर दिल्ली क्षेत्र में अशोक विहार क्षेत्र में ये रहने लगा है। जब इसके क्षेत्र में SHO द्वारा जानकारी की गई तो पता चला कि ये गाजियाबाद की तरफ इसका मूवमेंट हुआ है। रोटरी गोल चक्कर के पास पुलिस ने जब नाका लगा के चेकिंग की तो दो व्यक्ति एक स्कूटी पर मिले जो पुलिस को देखकर जिन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इनको वहीं पर ही दबिश देते हुए इनको वहीं पर ही पकड़ लिया। इनके पास से नाजायज असला वगैरह बरामद हुआ। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो घटना श्री नरेश त्यागी जी की हुई थी उसमें बतौर शूटर यही लोग थे। इनके पास से जो बरामदगी है वो एक 30 पिस्टल, साथ में दो जिंदा कारतूस, 30 बोर 7.62 जिसको बोलते हैं, एक 315 बोर का जिसके तीन कारतूस हैं, एक रिवॉल्वर 0.38 बोर, स्कूटी UP14CZ7446 जो कि अभियुक्त विपिन शर्मा की सिस्टर की है वो भी बरामद हुई है। इसने बताया इनके जामा तलाशी में जो 2350 रुपये मिले हैं, इन्होंने बताया कि इनको सुपारी किलर के तौर पर जितिन त्यागी द्वारा हायर किया गया था और इनको 50,000 रुपये पहले इनको दे दिए गए थे, शेष रुपये जो हैं बाद में इनको दिए जाने थे। जो असला इनको सप्लाई कराया गया था वो एक तीसरे अभियुक्त मनोज के नाम का जो व्यक्ति है वो आया था। जितेंद्र त्यागी व मनोज ने जो टारगेट है टारगेट की पहचान करवाई थी और ये बताया था कि सुबह सुबह ये मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं। साथ ही जो है जो 2 लाख की डील थी उसमें 50,000 रुपये असला पहले दिया गया था इस घटना को कारित करने के लिए, उसमें से जो पैसा बचा है वो इनसे 2350 रुपये बरामद हुआ है। इसके बाद जो शेष रुपये इनको लेने थे इनके रुपये ख़त्म हो रहे थे, इनको पता चल गया था कि जितेंद्र त्यागी जो है वो अरेस्ट हो गया है, तो इन्होंने प्लान बनाया था कि आज सुबह इससे शेष अमाउंट जो है वो ले लेंगे और अमाउंट लेकर के यहाँ से उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा धरपकड़ कर रही है और जब पुलिस शांत हो जाएगी, मामला शांत हो जाएगा तो ये लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन इनके इस मंसूबे पर पानी फिर गया और जो हमारी टीमें हैं जो लगातार लगी हुई थी SP सिटी के
SPRA, COCT1, COCT2, SWAT सर्विलेंस और इनकी संबंधित क्राइम टीम्स, इनकी मेहनत से इन अपराधियों को वहाँ पर दबोच लिया गया। तीसरा अपराधी था जिसने आर्म्स कैरियर का काम उस समय किया था, मनोज कुमार पुत्र ब्रजभूषण, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों का, विपिन शर्मा और अर्पण चौधरी का, एक आपराधिक इतिहास रहा है। विपिन शर्मा पर लूट के, हत्या के प्रयास के, आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जो अर्पण चौधरी है, इस पर भी, जो मूल रूप से गुलावटी का रहने वाला है, इस पर भी हत्या के कई मुकदमे हैं और विभिन्न लगभग 10 मुकदमे इसके पास जघन्य अपराधों के इस पर रहे हैं। जो मुकदमे हैं वो अन्य जनपद जैसे कि शामली और बागपत, यहाँ पर भी इसके मुकदमे इसके ऊपर रहे हैं। इन लोगों ने यही बताया कि जो जितेंद्र त्यागी है, उसने इनको ये टारगेट बताया था लेकिन नाम नहीं बताया था। ये लोग नहीं जानते थे कि जिसकी हत्या करने जा रहे हैं वो यहाँ संबंधित विधायक के मामा जी। सर, विधायक के बड़े भाई गिरीश त्यागी का क्या रोल है इस पर? 18 तारीख को जो जितेंद्र त्यागी जब गिरफ्तार हुआ था, जितेंद्र त्यागी ने उस समय जो उसके बयान थे, उसने बताया था कि उसका जो मृतक है, उनके बड़े भांजे जो हैं, उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना है। और ये भी बताया था कि जो घटना हुई है इसके 2 दिन पहले 7 तारीख को ये लोग साथ में ही यहाँ से लखनऊ गए थे, और साथ में ही जब ढूंढ पड़ी थी तो इन लोगों ने साथ में ही मोबाइल वहाँ पे बंद कर दिया था। ये जितेंद्र त्यागी के बयान के आधार पर उसने पुलिस को बताया था, और उसी समय उसने शूटर का नाम भी बताया था जो उसने हायर किया था। उसके बयानों के आधार पर क्या संलिप्तता है, उसके बयानों को पूरा तस्दीक किया जा रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, अन्य एविडेंसेस हैं, उनको कलेक्ट किया जा रहा है। जो शूटर थे, इन्होंने तो यही बताया था कि जितेंद्र त्यागी ने इनको हायर किया था, और टारगेट के तौर पे बताया था, ये नहीं बताया था कि टारगेट कौन है, उसकी पहचान नहीं बताई थी। जो जितेंद्र त्यागी है, जब वो अरेस्ट हुआ था तो उसने ये बताया था कि जो ये हैं और जो गिरीश हैं, इनका पूर्व से रंजिश रही है, उसमें 2 पॉइंट निकल के आए थे, पारिवारिक और वर्चस्व को लेकर के। हालांकि ये जो दोनों पॉइंट्स निकल के आए थे, ये विवेचना का विषय है, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। फिलहाल जो तथ्य जिस क्रम में पुलिस को मिले हैं, उन सभी को केस डायरी में अंकित कर दिया गया है, और इन सभी तथ्यों पर विवेचना भी जारी है, और आगे जो भी विवेचनात्मक प्रगति होती है उससे भी आपको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा। सर, माना जाए कि गिरीश 120B के मुद्दे में आप लोगों की फाइंडिंग्स क्या है? जो अब तक के बयान हैं उसको तस्दीक किया जाना शेष है। हालांकि इसमें नोटिस पुलिस के द्वारा बयान हेतु निर्गत कर दिए गए हैं, नोटिस के आधार पर बयान के लिए बुलाया गया है। बयानों के आधार पर और इसके जो नोटिस का जो कंप्लायंस है, उसके आधार पर आगे विवेचना, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, सारे जो तथ्य हैं, एविडेंसेस हैं, उसको आपस में क्रॉस चेक किया जाएगा, कोरिलेट किया जाएगा, उसके आधार पर जो भी प्रगति होती है विवेचना तक, उससे अवगत कराएंगे। देखिए, हम जो अपना हमारा जो इन्वेस्टिगेशनल जो पार्ट है वो उसके पूरे क्रम जुड़े हुए हैं। ये फुटेज भी हमको जो CCTV से मिली थी, उसको चाहे हुलिया हो, जो आपकी स्कूटी जो यूज़ हुई थी वो बरामद कर ली गई है, जो इनके जो कपड़े थे ये पुलिस के पास हैं, जो आला कत्ल जो यूज़ हुआ है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है, और विवेचना अभी प्रचलित है। अगर कोई भी कमी विवेचनात्मक यदि कोई है तो उसको भी जो है विवेचना, क्योंकि अभी प्रचलित है, उसको पूरा किया जा रहा है, और बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक तथ्य को पुलिस इसमें जोड़ती रही है। कोई जल्दबाजी में कोई भी विवेचना नहीं की गई, टीमों को निर्देशित किया गया था, और ये जो विवेचना पुलिस कर रही है, पुलिस टीम्स को निर्देशित कर दिया गया है कि आगे भी इसी तरह पूरा मेटिकुलसली और एक एक तथ्य को जोड़ते हुए इस विवेचना को आगे संभाल। क्या मनोज को मिल गए थे या अभी वो भी नहीं मिले? कौन? बचे हुए 1.5 लाख रुपये? नहीं, बचे हुए नहीं मिले। तो वो मनोज के पास मिलने नहीं, मनोज को ये बताया गया था कि हम लखनऊ से लौट के आपको, इन लोगों को बताया गया था कि हम लखनऊ से लौट के शेष पेमेंट आपका करेंगे, लेकिन लखनऊ से वो जितेंद्र त्यागी लौटा नहीं था, वहीं से बादस्तूर फरार हो गया। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट उस दिन जारी नहीं हुआ था। उस दिन सीधे सीधे बताया गया था कि CCTV फुटेज दिखी है, उसमें स्कूटी है, उसमें 2 लड़के, उसका फोटो आप सभी के मीडिया ग्रुप में डाल दिया गया, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिस सर हुआ है या अभी? नोटिस सर परिवार में नोटिस दे दिया गया। 166 है अब ये, आगे की विवेचना में जो भी प्रगति होगी आप लोग का वो चला।